सोलन के पावर हाउस रोड पर गत दिनों जो गोली की वारदात सामने आई थी, इसका एक साथी पहले ही पुलिस की हिरासत में है, जबकि दूसरा आरोपी अजय 19 वर्षीय को हिसार से पुलिस प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों का क्षेत्रीय अस्पताल में मेडिकल करवाया जा रहा है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करने पर ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वे इस गोली कांड के पीछे उनकी क्या मंशा थी और किसके इशारे पर इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। अजय गोली कांड के बाद फरार हो गया था। उसके बाद अजय को हिसार पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी जानकारी जैसे ही सोलन पुलिस को मिली तो सोलन पुलिस प्रोटेक्शन वारंट के तहत सोलन ले आई। पुलिस दोनों ही आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करने पर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गोलीकांड के पीछे उनकी मंशा क्या थी और किसके इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।